हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मशीन पॉलिशिंग एंड बफिंग मशीन के चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 2086। डैश इज यूजुअली अंडरटेक टू मेक मेटल्स स्मूथर और टू प्रोड्यूस ए मोर यूनिफॉर्म सरफेस। डैश आमतौर पर धातुओं को चिकना बनाने या अधिक समान सतह बनाने के लिए किया जाता है, वह क्या है? आंसर इज ऑप्शन सी, पॉलिशिंग। क्वेश्चन नंबर 2087। डैश ऑपरेशन इज टू प्रोड्यूस ए स्मूथ यूनिफॉर्म सरफेस विथ हाई ब्रिलियंट लस्टर। डैश ऑपरेशन उच्च चमकदार चमक के साथ एक चिकनी समांतर सतह का उत्पादन करता है। आंसर इज ऑप्शन डी, बफिंग ऑपरेशन उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2088। पॉलिशिंग व्हील आर कॉमनली मेड ऑफ। पॉलिशिंग व्हील आमतौर पर डैश से बने होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, कैनवास मुस्लिन फेल्ट एंड लेदर। ये आमतौर पर पॉलिशिंग व्हील बनते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 2088। क्वेश्चन नंबर 2089। बफिंग व्हील्स आर कॉमनली मेड ऑफ। बफिंग व्हील आमतौर पर डैश से बने होते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, बफिंग व्हील कॉटन क्लॉथ लिनन फ्लैनल और वुड से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2090। बफिंग कंपाउंड ऑफ डैश कंपाउंड इज ए मिक्सचर ऑफ ग्लू बेस सॉफ्टनिंग एजेंट। डैश यौगिक का बफिंग यौगिक ग्लू बेस सॉफ्टनिंग एजेंट और खनिज का मिश्रण है। आंसर इज ऑप्शन बी, एजेंट एंड मिनरल MINERAL। ये नीचे चला गया है, सॉफ्टनिंग एजेंट एंड मिनरल। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ग्रीसलेस। क्वेश्चन नंबर 2091। बफिंग कंपाउंड ए डैश बेस्ड कंपाउंड इज ए मिक्सचर ऑफ ऑयल टैलो एंड अदर बॉन्ड। बफिंग कंपाउंड एक डैश आधारित कंपाउंड तेल और अन्य बॉन्ड का मिश्रण है। आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रीस बेस्ड। डैश इज ए प्रोसेस इन व्हिच ए डिस्क ऑफ मेटल इज रोटेटेड एंड फोर्स्ड अगेंस्ट ए फॉर्म कॉल्ड ए चक विथ नो इंटेंड रिडक्शन ऑफ वॉल थिकनेस। डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु की एक डिस्क को घुमाया जाता है और दीवार की मोटाई में कमी के बिना चक नामक एक रूप के खिलाफ मजबूर किया जाता है। आंसर इज ऑप्शन बी, मेटल स्पिनिंग। इन डैश ऑपरेशन द ब्लैंक इज इंटेंशनली रिड्यूस इन थिकनेस वाइल बींग लेंथेंड। डैश ऑपरेशन में ब्लैंक को लंबा करते हुए जानबूझकर मोटाई में घटाया जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी, फ्लो फॉर्मिंग। क्वेश्चन नंबर 2094।
This is used on wooden furniture, internal grade plywood, leather, paper and textile. The joints do not withstand moisture or heat. डेस्क का उपयोग लकड़ी के फर्नीचर, आंतरिक ग्रेड प्लाईवुड, चमड़े के कागज और कपड़ा पर किया जाता है जो जोड़ नमी या गर्मी का सामना नहीं करते हैं. आंसर इज ऑप्शन सी, एनिमल एडेसिव. क्वेश्चन नंबर 2095. डेस्क आर अवेलेबल अंडर ब्रांड नेम क्रॉयड एंड एरो. क्रॉयड एंड एरो को क्या कहा जाता है? आंसर इज ऑप्शन सी, एनिमल एडेसिव को क्रॉयड एंड एरो के नाम में भी जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 2096. डेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बोन्स एंड हाइड्स ऑफ एनिमल्स एंड आर अवेलेबल एज लिक्विड और सॉलिड जेली. डेस जानवरों की हड्डियां और खाल से निकले और तरल या ठोस जेली के रूप में उपलब्ध हैं. आंसर इज ऑप्शन सी, एनिमल एडेसिव. क्वेश्चन नंबर 2097. डेस आर अप्लाइड ऑन पेपर, कार्टून बॉटल, लेबलिंग, स्टेशनरी, शॉप डोर, पैनलिंग, इंटीरियर डेकोरेशन एट्सेट्रा. डेस कागज पर, कार्टून बोतल, लेबलिंग, स्टेशनरी, दुकान के दरवाजे, पैनलिंग, आंतरिक सजावट आदि पर लागू होते हैं, यानी वहाँ पर यूज होते हैं ज़्यादा आमतौर पर. आंसर इज ऑप्शन ए, वेजिटेबल एडेसिव. क्वेश्चन नंबर 2098. डेस आर अवेलेबल अंडर ब्रांड नेम ग्रिपिक्स, लायन ग्लू और विथ है लेटेक्स बेस कॉपीडेक्स. डेस ब्रांड नाम ग्रिपिक्स, लायन ग्लू या लेटेक्स बेस कॉपीडेक्स के साथ उपलब्ध है. आंसर इज ऑप्शन ए, वेजिटेबल एडेसिव. क्वेश्चन नंबर 2099. डेस फ्रॉम स्टार्च सोयाबीन सीड एंड आर अवेलेबल एज पाउडर व्हिच इज मिक्स्ड विथ वाटर और केमिकल. ये कौन सा एडेसिव होता है जो स्टार्च सोयाबीन सीड एंड पाउडर के रूप में अवेलेबल होते हैं? आंसर इज वेजिटेबल एडेसिव. आंसर इज वेजिटेबल एडेसिव. क्वेश्चन नंबर 2100. डेस ऑफ लिक्विड फॉर्म इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कोरूगेटेड. डेस ऑफ लिक्विड फॉर्म इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कोरूगेटेड बॉक्सेस, वुड बॉन्डिंग, लैमिनेशन ऑफ मेटल फाइल्स टू पेपर बॉन्डिंग, इंसुलेटिंग मटेरियल टू फर्नेस डोर एट्सेट्रा. तरल रूप के डेस्क का उपयोग नालीदार बक्से के निर्माण के लिए किया जाता है जो धातु की फाइलों के लैमिनेशन को पेपर बॉन्डिंग, इंसुलेटिंग सामग्री से लेकर फर्निश, दरवाजे आदि के लिए किया जाता है. आंसर इज ऑप्शन बी, मिनरल एडेसिव. क्वेश्चन नंबर 2101. डेस ऑफ पेस्ट फॉर्म इज यूज फॉर ज्वाइनिंग थर्मल इंसुलेशन ब्रिक्स एट्सेट्रा. थर्मल इंसुलेशन ईंटों आदि को जोड़ने के लिए पेस्ट फॉर्म के डेस्क का उपयोग किया जाता है. आंसर इज ऑप्शन बी, मिनरल एडेसिव. तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. थैंक यू.